मैं जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट जो हमने 2008 में फॉर्म की थी, जब हम निराश हो गए थे क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 32 साल में आई उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इलेक्शन के टाइम पे उनको हमारी याद आती है, तो हमने ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और 2008 में हमने 17 कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा था, जिसमें मैंने हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी से अगेंस्ट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इलेक्शन लड़ा था। अभी जो हालात डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट अभी आई होगी आप लोगों को सबको मालूम है, तो हमारी कम्युनिटी 32 साल के बाद इतनी निराश है। मेरे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, तो मेरे पास भी कम्युनिटी से सब जगह से आया, क्योंकि काफ़ी लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी एसोसिएशन लेवल पे भी डिलिमिटेशन के पास कमीशन के पास मिलने गए थे, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज से भी मिलने गए थे, और जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या एज ए पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मैं भी गया था, मुद्दे उठाए थे वो ये था कि पोलिटिकल रिजर्वेशन ऑफ कश्मीरी एग्जाइल्ड कश्मीरी पंडित्स। और एक हमने ये उनको एक सोल्यूशन भी साथ में दिया था कि अगर आपके लिए पोलिटिकल रिजर्वेशन अगर उसमें आपको कोई बाधाएं आ रही हैं तो आप हमारे को वहाँ पे एक स्पेस हमारे लिए बनाइए, जिसको हम चाहे आप होमलैंड बोल दीजिए, सैटेलाइट टाउन बोल दीजिए, पन कश्मीर बोल दीजिए, तो हम वहाँ पे इकट्ठे रह के एक अपना प्रतिनिधि वहाँ से अलग करके भेज सकते हैं। तो बड़ी निराशा की बात है कि न हमारी पॉलिटिकल स्पेस दी गई, न हमारे को 32 साल से कोई कश्मीर की बातें तो बहुत कर रहे हैं, कि आज 8 साल हो गए अभी तक न लैंड आइडेंटिफाई हुई, न उस बजट के पैसे का क्या हुआ जो 500 करोड़ रुपए उस टाइम एलोकेट किया गया, जो आपने पार्लियामेंट में भी बोला वो आज पब्लिक डोमेन में है, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो मोदी जी से जो हमारी समाज की आशाएं थी वो बिल्कुल निराशा में बदल चुकी है कि कश्मीरी पंडितों के लिए या तो रिजर्व सीटें रखी जाए या कश्मीरी पंडितों के लिए वहां पे स्पेस रखी जाए, जो हमसे 2014 से वादा किया गया है।